और बताइए आप लोग कैसे हैं। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कीर्ति झास किचन, उस पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो सोचा कि चलो फ्रिज में देख लेते हैं कि क्या पड़ा है। तो फिर मैंने फ्रिज में देखा कि कल मैंने मिक्स वेज बनाया था, वो सब्जी पड़ी हुई है। तो उससे मुझे एक आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना जुगाड़ू सैंडविच बनाया जाए आज बच्चों के लिए, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं जुगाड़ू सैंडविच। ये देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होगा जुगाड़ू सैंडविच में। तो ये है रात की लेफ्ट ओवर सब्जी, कोई भी सब्जी। अभी तो विंटर्स में सबके यहाँ गोभी, मटर, पत्ता गोभी सब कुछ बनता है, तो वो कुछ भी सब्जी काम आ सकती है। ये है सॉस, ये है पनीर, थोड़ा सा मेरे पास था, होममेड पनीर है। ये है मैशर, उसके बाद ये है ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, प्याज कटे हुए हैं दो बारीक। ये है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मेयोनीज, चिली फ्लेक्स, ये है पास्ता सीजनिंग, ये है ब्रेड। ये सभी चीज़ें हमारे घर में लगभग पाई जाती हैं किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा जुगाड़ू सैंडविच। और तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो मेरी लेफ्ट ओवर सब्जी है उसको डाल देंगे। ये देखिए, कुछ भी ऑयल नहीं डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें ऑयल पड़ा हुआ है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका जितना भी इसमें जो सॉगीनेस है, इसका जो पानी है, वो सारा का सारा सूख जाना चाहिए। बस इतना ही काम करना है। और इसमें जो आलू के पीसेस हैं जगह जगह, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन सबको हम इस हैंड मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से इसको आलू को सिर्फ मैश कर दीजिए। पूरा मैश करने पे फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। हल्के हल्के हाथ से आप इसको दबा दीजिए। ये देखिए, अच्छे से ये मैश हो रहा है। जब इसको मैश कर लिया है तो इसको 3-4 मिनट बढ़िया से भूनेंगे ताकि इसका सारा सॉगीनेस निकल जाए। तो ये देखिए, इसका पूरा पानी सूख गया है, आंच बिल्कुल कम है। ये देखिए, मेरी आंच बिल्कुल कम है। अब हम इसमें धीरे धीरे ये जो हमने प्याज रखा है काट के, वो मिला देंगे। मैंने ज़्यादा ही काट लिया है, जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही डालेंगे। अब हम इसमें ये जो मैंने धनिया पत्ता काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे। ये जुगाड़ू सैंडविच बहुत ही हेल्पफुल है मॉर्निंग में मदर्स के लिए, और उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो सब्जी नहीं खाते। ये देखिए, मैं पास्ता सीजनिंग डाल रही हूँ, ये हो गया। अब मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा जो बच्चों को हल्का सा डोमिनोज जैसा किसी। अब देखिए, ये जो पनीर है उसको मैं हाथ से ही ब्रश करके ये डाल दे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, ग्रीन, वाइट, रेड। तो ये देखिए, अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे। एंड आफ्टर दैट हल्की सी काली मिर्च डाल देंगे। बस, तो अब ये हमारा जुगाड़ू सैंडविच का जो फिलिंग है, जो प्रिपरेशन है, वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच बिल्कुल कम है, बढ़िया से थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत रह गया है पानी वो निकल जाएगा। और मैंने हाथ से ही क्रश किया है पनीर को, तो जो जगह जगह जो इसकी पनीर की जो बाइट्स आएंगी मुँह में, उससे बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए, हमारी कलरफुल जुगाड़ू सैंडविच का प्रिपरेशन रेडी हो गया। तो देखिए, मैंने ये ब्रेड्स ले लिए हैं और इसकी ये स्लाइसेस काट दी हैं। इसको फेंकिएगा मत, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं आसानी से।
हम अब लेयरिंग करेंगे। देखिए हमने ये ब्रेड ले लिया है, नीचे में हम देखिए टमाटो सॉस लेंगे और इसको पूरे से अच्छे से फैला देंगे और एक तरफ हम देखिए ये मेयोनीज लेंगे और इसको लगा देंगे। देखिए इधर बढ़िया से लगा दें। ये देखिए मेरे दो सैंडविचेस की लेयरिंग जो है वो तैयार हो गई है। एक में मैंने मेयोनीज लगाया है और दूसरे में मैंने ये टमाटो सॉस लगाया है। अब हम इसके ऊपर जो ये मेरी फिलिंग है, जो जुगाड़ू फिलिंग है, उसको हम रख देंगे अच्छे से। तो मैंने क्या किया है, एक में तो ये देखिए मैंने मेयोनीज को लगा दिया है और एक में मैं जो है ये टमाटो सॉस में। आप ये सोचिए बिना बताए अगर आप ये बच्चों को देंगी और उनके मुंह में जो है वो पनीर आएगा कितना मजा है। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो ये जो मैंने थोड़ा सा प्याज रखा हुआ है, ठीक है, अब हम इसको प्रेस करेंगे वाले ब्रेड्स। देखिए ये एक्स्ट्रा गिर गया है, उसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, अब इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करते हैं वो डाल सकते हैं। इसमें हमने ये देखिए घी लगाया है, उसको ऊपर रखेंगे। ये देखिए ये दूसरा वाला भी मैंने ये डाल दिया। अब इसको हम बंद कर देंगे जब तक ये रेड लाइट ग्रीन ना हो जाए। तो ये देखिए ये रेड से ग्रीन हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जुगाड़ू सैंडविच कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए ये बढ़िया से ग्रिल हो गया है। अब मैं आपको अपनी ब्रेकफास्ट थाली लगा के दिखाती हूँ। देखिए मेरी ब्रेकफास्ट थाली तैयार हो गई है। ये है टर्मेरिक वाला दूध, जुगाड़ू सैंडविच, आलमंड्स, लड्डू हैं ये ड्राई फ्रूट्स के और ये है एप्पल। तो मैं जा रही हूँ उसको खाने ब्रेकफास्ट को, आप लोग भी आइए खा लीजिए। और ये मेरी जो जुगाड़ो सैंडविच की रेसिपी है ये उन मदर्स को बहुत हेल्प करेगी जिनके बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं। तो अगर किसी मदर को मेरी रेसिपी से कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और एक बात और, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट।